सभी लोग कांशुबिश के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर और आज हम लोग जाने वाले वापस से फोर्ज़ा होराइज़न वर्ल्ड में। सो लेट्स गो भाई, जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर देना और जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। आज हम लोग अपनी जेस्को को भगाने वाले हैं 500 प्लस, देखते हैं मॉडिफिकेशन कैसी होगी क्या होगा। बट यार जिसने भी लाइक नहीं करा कर देना, जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। 5 मिलियन के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो चलो चलते हैं फटाफट से और करते हैं आज अपनी जेस्को को फुल्ली मॉडिफाई। गाइस हम लोग आ चुके हैं फोर्ज़ा होराइज़न के अंदर और भाई मैं मजाक नहीं करूंगा ना, ये गेम को खेलने के लिए मेरे अंदर इतना ज्यादा है सब, मैं पम्प्ड रहता हूं ना उसको खेलने के लिए भाई, क्योंकि तुम सबको पता है मेरे को गाड़ियां कितनी ज्यादा पसंद है। अभी हम लोग अपनी AMG GTR गया उसमें और इसको मैंने बाय द वे बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर दिया था, लाइक आई थिंक एक हफ्ता या 4-5 दिन पहले मैं ऐसी ऑफलाइन खेला तब मैंने इसको मॉडिफाई करा था। एंड बिलीव मी ब्रो, ये गाड़ी बहुत ज्यादा मस्त हो चुकी है। अभी ये 450 भागती है, तुम समझ रहे हो 450। और आवाज सुनो, रुको मैं तुम्हें आवाज सुना दूं। ये गाड़ी लिटरली पीछे देखने में ऐसा अंडा लगती है, लगता है कि अंडा चल रहा है। बट एक बार इसका साइड प्रोफाइल देखो भाई, लेजिट भाई, मतलब बहुत सारी और भी मर्सिडीज होंगी जैसे AMG 1 है वो सब है वो अच्छी है, बट भाई इसको देख के मेरे को पता नहीं क्यों यार AMG GTR भाई अलग ही लगती है दिखने की, एकदम क्रेजी कूल सी, मतलब देख रहे हो ये भी बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ी है। तो यस चलो चलते हैं जल्दी से यहाँ से, मैंने अपने दूसरे वाले घर में भाई अपनी कॉनिक्सिक जेस्को पार्क करी हुई है, तो फटाफट से वहाँ के गोडाउन से उसको लेके आते हैं और चलते हैं सीधा होराइज़न में फ्रेडी के पास, क्योंकि आज हम लोगों को AMG GTR से मतलब नहीं है, हमें भाई अपनी कॉनिक्सिक जेस्को को बनाना है एकदम नेक्स्ट लेवल। क्योंकि तुम लोगों के कॉमेंट्स में पढ़ रहा था भाई, सब लोग यही बोल रहे थे कि भैया 500 भागती है जेस्को, क्योंकि मेरा तो दिमाग फट गया था जब मैंने 454 स्टॉक कॉनिक्सिक जेस्को जस्ट ली भी क्या, फ्री में मिल गई थी भाई। और तुम देख रहे हो पैसे देख लो मेरे पास, 27 लाख, मतलब 2.7 मिलियन क्रेडिट्स है मेरे पास, क्योंकि हम लोगों ने खरीदी नहीं कभी कॉनिक्सिक जेस्को, वो हम लोगों को भाई सुपर व्हील स्पिन में फ्री में मिल गई। भाई मेरा दिमाग ही लिया था उस दिन, मैं मजाक भी नहीं करूंगा भाई, मेरे को ऐसा ऐसा भी हो सकता है भाई, भाई बहुत ज़्यादा क्रेजी कूल चीज़ हो गई थी। बट अभी तो चलते हैं फटाफट से। ओ ये ओ यार ये नदी सूख गई, मैं तो यहाँ गाड़ी धुलाने लाया था, वो भाई इतने टाइम बाद आई यहाँ नदी सूख गई भाई, ठीक है यार चलो भाई अब तो मैं यहाँ से ले भी आया, कम हो रहा है कहने को, यहाँ पानी भी नहीं है भाई, क्या बोलूँ यार। अभी मैं लेजिट भाई अपनी GTR लेके आ भी गया यहाँ पे, मेरे को पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इसको AMG क्या कहते हैं GT बोलते हैं, बट एक्चुअल में इसको GTR बोलते हैं, ग्रैंड टूरिज्मो रेसिंग, मतलब जैसे GTR निसान की है सेम टू सेम वैसी मानो, मतलब सेम टू सेम तो कभी हो ही नहीं सकती भाई, निसान GTR है भाई, ठीक है सेम टू सेम तो कभी कोई गाड़ी नहीं हो सकती उसके बराबर में, बट फिर भी मतलब मेरे कहने का मतलब वही है। बट ये गाड़ी भी यार सच्ची बताओ ना, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मेरे को ऐसा होता है कि भाई मेरे को निसान GTR पसंद है तो फिर सारी गाड़ी गंदी है, ये गाड़ी वैसी गाड़ी नहीं भाई, मेरे को खुद पता है कि कितनी गाड़ियाँ निसान GTR से भी बेटर है टू बी ऑनेस्ट लाइक। लेकिन फिर वही वाली बात है ना कि अब पता हो ना और फिर एक दिल आ जाता है किसी गाड़ी पे, जैसे मेरा निसान GTR पे दिल है भाई, सीधी सी बात है। पर मैं ऐसे थोड़ा ना बोलूँगा कि भाई मेरे को निसान GTR ले, भाई अभी तो कितनी एक बहुत लंबी रोड है भाई, निसान GTR 2.5 करोड़ की गाड़ी है, तो ऐसे थोड़ा ना कि बंदा सीधे 2.5 करोड़ सॉरी भाई, अब बंदा ऐसे थोड़ा करेगा सीधे निसान GTR ही ले लेगा भाई 2.5 करोड़ की गाड़ी, धीरे धीरे स्टेप अप करता है ना बंदा यार, समझ रहे हो ना, पहला आम हर मुंडा आम हुंदा या दुनियादारी चीज तराश बन दे अपने च रख विश्वास बढ़ दे, ओए आम जे है मुंडे जेड़े बंदे भाई सीधी सी बात है, धीरे धीरे शुरू करेंगे भाई, M5 भी लेंगे छोटी, मतलब छोटी तो M5 छोटी गाड़ी तो नहीं है, मतलब कहने का मतलब धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे ना हल्की हल्की गाड़ियों से, फिर जाके कहीं पे अगर किसी दिन हुआ भगवान ने लाइक चाह तो भाई क्यों नहीं यार, अपनी मेहनत लगाए रहेंगे, तुम लोगों का साथ है ही भाई वो तो मुझे पक्का ही पता है, तो एक दिन क्या पता भाई हम लोग ले निसान GTR, बट तब तक का कोई नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे मस्त है ये गेम भाई, जिसके अंदर मेरे को इतनी कूल गाड़ियाँ चलाने का मौका मिलता है भाई, लेजिट इस स्टेयरिंग को पकड़ के ना मेरे को कभी कभार ऐसा फील होता है खुद से कि हाँ भाई ये मैं ही चला रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई गेम खेल रहा हूँ भाई। और ये देखो ये मैंने अभी पेडेस्ट्रियन उसमें चला दी थी, बट तुम समझ रहे हो मेरी बात राइट भाई, यार एक बार सीन तो देखो भाई, भाई शाम के टाइम पे क्या ही सीन होता है यार, इधर पे मजा आ जाता है लाइक, पता नहीं यार तुम लोग बताना, तुम लोगों को मजा आता है कि नहीं आता है भाई क्या कहते हैं इसकी वीडियोस देखने में, होराइज़न की वीडियो देखने में, मेरे को क्योंकि इस गेम को खेलने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, बहुत से भी ज़्यादा, मतलब
कैसे बताऊं यार, मैं तो वेट करता हूं पता है कि इसकी वीडियो कब बनानी है भाई, ऐसे रहता है मेरे को। खैर मैं वैसे भी खेलते थे बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ना, क्योंकि 100 डेज का चैलेंज चल रहा है हम लोग। आई थिंक ये 69th डे है, अभी 68th डे है ये, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अगर मैं गलत हूँ तो। हम लोग उतने दिन से रेगुलर वीडियोस डाल ले, कभी नॉट गेमर प्लीट पर आती है, फिर अंशुविश पर आती है, एक एक दिन वन चीज़, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मैं ट्राई पूरा कर रहा हूँ कि मैं लाइक 100 डेज वाला चैलेंज कंप्लीट ही करूँ, और यही बात बात करते करते तुम लोगों से हम लोग लिटरली भाई कितने किलोमीटर पार कर दिए ऐसी मजाक मजाक में, और आ चुके हैं हम लोग अपने घर पे। लेट्स गो बॉयज, इज्जत से खड़ी कर देते हैं यहाँ पे। यार ये गाड़ी कसम से बहुत ही ज़्यादा मस्त है यार, और ख़ास करके इसका ये जो पेंट है ना, मतलब पेंट बोलो या फिर इसको रैप बोल लो, बहुत ज़्यादा कूल है यार। चलो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, मैं जाता हूँ अंदर भाई गैराज से निकाल के लेके आता हूँ हमारी कॉनिकसेक जेस्को, क्योंकि AMG GTR को बाय करने का टाइम आ गया और अब आएगी कॉनिकसेक जेस्को। गाइस तुम्हारा भाई लेके आ चुका है कॉनिकसेक जेस्को। भाई ये गाड़ी लिटरली इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, लाइक पता नहीं यार मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, मेरे को ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है देखने की। रुको एक मिनट, ये पहले एंगल थोड़ा सा ऐसा करते हैं, अंदर से भी कूल है भाई ये कॉनिकसेक के, ये जो व्हील होता है ना भाई, ये लेजिट मैंने देखा भी भाई, गमेरा है या फिर कौन सी है भाई, मैं गलत हूँ तो बताना प्लीज कमेंट सेक्शन में। जो उन लोगों ने फैमिली कार बना दी है, जो लिटरली भाई पता नहीं कितने हॉर्स पावर निकालती है, मेरे को याद नहीं है परफेक्टली उसका नाम वाम सब कुछ, लेकिन मैंने उसकी भाई रील्स वील्स देखी और थोड़ा बहुत जाना गाड़ी के बारे में, भाई फैमिली कार वो भी वन ऑफ द फास्टेस्ट भाई, मजाक एट दिस मोमेंट लिटरली भाई कॉनिकसेक के लिए मजाक जैसी हो रही है हर चीज़ भाई। फोर सीटर इलेक्ट्रिक और इतनी खतरनाक कि क्या ही बताए भाई, लेजिट चल रहा है बिल्कुल एकदम। पर अभी हमारे हाथ में है कॉनिकसेक जेस्को, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट कार है कॉनिकसेक की, और भाई मैंने सुना ऐसा कि ये 500 प्लस भी करती है, तो चलो इसको लेके चलते हैं सीधा फ्रेडी के पास और इसको करवाते हैं मॉडिफाई। बट मैं क्या सोच रहा था फ्रेडी के पास ले जाने से पहले ना, हाँ देखो परफेक्ट हॉराइजन यहाँ है राइट, तो हम लोग पहले ना इसको हाईवे में ले जाते एक बार, क्योंकि सीधी सी बात है मैंने भी भाई यार कम से कम 7 दिन से ये गाड़ी चलाई नहीं है भाई, मैंने इस वाले ही उसमें रख रखी थी अपने गैराज में, तो इसको सबसे पहले ना देखते हैं दोबारा से कितनी थी। मेरे ख्याल से इसकी 454 टॉप स्पीड थी लाइक, जितना मेरे को याद है सही बताऊँ तो, उससे ज़्यादा मेरे को याद नहीं, 454 के आसपास इसकी टॉप स्पीड थी। अभी देख लेते हैं ठीक है दोबारा से हाईवे पर जाके एक बार। चलो भाई परफेक्ट एकदम, मॉर्निंग हो रही है, सामने देख रहे हो पर्वत भी दिख रहे हैं, मज़ा आ गया है। चलो फटाफट से लेके चलते हैं इसको हाईवे पे और देखते हैं कॉनिकसेक जेस्को की अब भी टॉप स्पीड, क्योंकि भाई सीधी सी बात है एक बार मॉडिफाई कर देंगे फिर तो ये और नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। तो चलो चलते हैं फटाफट से, यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे बाईपास से सीधा ऊपर हाईवे पे, लेट्स गो। चलो ठीक है हम लोग आ चुके हैं हाईवे पे, अब बारी है कॉनिकसेक जेस्को को टॉप स्पीड देखने की, लाइक कॉनिकसेक जेस्को की टॉप स्पीड देखने की। सो लेट्स गो, भगाते गाड़ी को थोड़ा, भाई कितने रिस्की पास ले रहा हूँ पता है मैं। अरे अरे हाईवे इतनी जल्दी खत्म भी हो गया, व्हाट द हेक। वो यहीं से ले रही है, हेलो, मुझे पता हाइपर कार है पर यार चलता है यार, चल जाती है, ऑफ रोडिंग भी करती है गाड़ी। जी यार गंदे लोग। चलो भाई फटाफट से भगाते हैं कॉनिकसेक जेस्को को, एंड इट्स टाइम गाइस, इसकी टॉप स्पीड मेरे को जहाँ तक कहते हैं 454 है, एंड आई थिंक आई एम राइट, ठीक है, क्योंकि अब वही है, अब मेरे को पता है इतना दिमाग में चल रहा है तो भाई सही होगा ना नंबर, फिर ऐसे वाला भी होगा ना थोड़ा। चलो फटाफट से चलते हैं, लेट्स डू दिस बॉयज, ठीक है देखते हैं। 454 आई थिंक नोवा गियर भाई, 9 स्पीड गियर है इसमें यार, लेट्स सी 447, 448, 451, थोड़ी सी स्टीप हाइट आ गई ना, लाइक सीधा हो या फिर नीचे को तो हाइट तो थोड़ी सी वो बढ़े, स्पीड बढ़े भाई, ये गाड़ी को थोड़ा ढंग से चलाना पड़ेगा। 452, 453, 456, व्हाट, अब तो हाइट आ गई थोड़ी सी, बट भाई ये गाड़ी ने 456 कराई भी अभी। ओ भाई साहब 456 गई है हमारी जेस्को, भाई मैं तो बोलो सीधे होराइजन चलो, अब देखते हैं भाई कि ये कितना करेगी जब इसको हम मॉडिफाई कर देंगे। अब मेरे को लिटरली लग भी रहा है, पहले मैं भाई सच्ची बता रहा हूँ, मैं कमेंट्स को ना ऐसे मजाक में लेता, मैं कहता यार 500 तोड़ना भागेगी यार गाड़ी,
हैं वैसे कायदे जेस्को मेरे ख्याल से स्ट्रीट लीगल नहीं है, मेरे को कंफर्म नहीं पता, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक जेस्को क्या हम लोग रोड पे चला सकते हैं? मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया पे तो बहुत सारी गाड़ियाँ रोड लीगल नहीं है। आई थिंक बुगाटी शीरॉन भी शायद से रोड लीगल नहीं है इंडिया पे, बट वही है मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ इंडिया में तो रोड लीगल वैसे भी नहीं है बट बाहर भी। ठीक है, कॉनिक्सेक जेस्को क्या रोड लीगल है या नहीं है? क्योंकि ये गाड़ी भाई ऑलरेडी स्टॉक में मेरा दिमाग फाड़ रही है भाई कि मतलब स्टॉक में कोई गाड़ी 457 कर रही है, मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा भाई। वो गाड़ी तुम्हारा दिमाग हिलाएगी कि नहीं हिलाएगी भाई? भाई साहब 460, थोड़ी सी ऐसे रोड के आई 460 होगी, थोड़ी सी थी वो ट्रेडिंग पेंट हो गया थोड़ा सा सॉरी भाई। 460 की ये गाड़ी अभी भी स्टॉक में, कितनी भगा लेगा बंदा इसको, कितनी मॉडिफाई कर देंगे हम भाई। यार मैं तो फ्रेडी से मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ भाई, फ्रेडी अब अपना काम वाम करवाएगा भाई। लेट्स गो मेक्सिको, होराइजन में आ चुके हैं हम लोग। सॉरी ब्रो, सॉरी यार, सॉरी आई एम सॉरी बाबू। भाई यहाँ दिख तो नहीं रहा मेरे को फ्रेडी, क्या बात हो गई भाई। एज यूजुअल यार मैं भी भाई सोच रहा हूँ फ्रेडी हमारी मदद करेगा, फ्रेडी हमारी मदद करेगा भाई। उसको भी पैसे कमाने हैं, वो बोल रहा है कि उसके लिए एक रेस जीतनी पड़ेगी उसके बाद ही वो हमारी मदद करेगा। पहले मैं एक बार तुम्हें ये सुनाता हूँ भाई। यार भाई कॉनिक्सेक जेस्को खाली दिखने की नहीं है भाई, सोच रहा हूँ इतना रोरिंग इंजन है इसका भाई, पीछे की साइड को लगा हुआ क्या क्रेजी गाड़ी है। नहीं लेकिन हम लोगों को यस एक रेस में फर्स्ट आना पड़ेगा अगर हम लोगों को अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवानी है भाई। फ्रेडी एंड बिलीव मी ब्रो, फ्रेडी इज़ द बेस्ट ट्यूनर भाई मेरे हिसाब से, तो उससे बढ़िया ट्यूनर मेरे को शायद ही मिलेगा। तो अगर मेरे को उसके लिए एक दो रेसेस भी जीतनी पड़ेगी जस्ट टू गेट माई कार ट्यून, मैं खुश हूँ भाई, मैं रेडी हूँ, मतलब मोर देन रेडी हूँ सही बताऊँ तो भाई। कोई बात नहीं, फ्रेडी के लिए तो भाई जीत लेंगे रेस भाई। अब वो बंदा गाड़ी ट्यून ही ऐसी करता है भाई, मतलब उसको पार्ट्स हम लोग बताते हैं बट वो जो फिटिंग करता है ना भाई सब कुछ, गाड़ी एकदम नेक्स्ट लेवल बना के देता है। तो चलो हम लोगों को जल्दी जाना पड़ेगा, आई थिंक पीछे ही है रेस, हाँ रेस तो बगल में ही है। चलो ठीक है, रेस तो यहीं पर है, देखो 500 मीटर हम लोग पहुँच भी चुके हैं। ये रेस अगर हम लोग फर्स्ट आ जाते हैं तो फ्रेडी हम लोग की गाड़ी को ट्यून करेगा, वरना हमें खुद अपनी गाड़ी को ट्यून करना पड़ेगा जिसमें यस सर अभी हम लोग इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। सो लेट्स गो रेसिंग इवेंट, सोलो जाने वाले हम लोग डेस्कंसार डोरादो स्प्रिंट। अरे सोलो लेट्स गो डेस्कंसार डोरादो ट्विन। देखो मेरा मन तो है जेस्को को निकालने का, एक्चुअली एक रेस करनी भी चाहिए भाई क्योंकि ना इसके जस्ट बाद ये मॉडिफाई हो जाएगी तो हम लोग को पता होना चाहिए कि विदाउट मॉडिफिकेशन जेस्को कैसी फील हो रही थी, ताकि जब मॉडिफाई हो जाए उसके बाद पता रहे कि विद मॉडिफिकेशन जेस्को कैसी फील होती है। लेट्स गो बॉयज करते हैं इसका। यार ये ब्रेक लो, ये टायर लॉक बड़े खतरनाक होते हैं ये वाले, ये लाइक ज़्यादातर GT3 RS में आते हैं बट ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है भाई ये चीज़। चलो भाई हो जाए, लेट्स गो गाइज, इनको दिखाते हैं अपनी कॉनिक्सेक का जलवा भाई। बस ना एक ही चीज़ ध्यान दीजिए, देखो हुआ तो भाई ये गाड़ी में बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि कुछ भी हो जाए पंजा पूरा नहीं दबाना है। ठीक है, जेस्को में पूरा पंजा जहाँ पे दबा ये भागी भाई 7-8 हज़ार RPM से ऊपर, वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में। ये गाड़ी आउट ऑफ ट्रैक है भाई, ये देखो भाई ये रेयर व्हील ड्राइव है ना, थोड़ा सा ढंग से चलानी पड़ेगी भाई। मेरे को यही चीज़ पसंद है, मेरे को ना ऑल व्हील ड्राइव इसलिए पसंद है क्योंकि ना थोड़ा सा माइंड फ्री होकर चला सकता है बंदा, बट यार रेयर व्हील ड्राइव भी अपने में फन है भाई। मारो ड्रिफ्टे मारो सब कुछ करो भाई, एकदम खतरनाक हो जाता है लाइक सुपरा एंड ऑल, ये सारी भी तो वो है अपनी रेयर व्हील ड्राइव। ये अरे मैंने तो भाई खड़ी कर दी ऑलमोस्ट गाड़ी। यार कम ऑन यार अंशु भाई, यार मेरे को एक सुपर भी नहीं हाइपर कार का ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा लग रहा है जैसे चल रही है। कम ऑन, नहीं 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 यार ऐसे नहीं हार सकते भाई। चल 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 कपीटा हूं मैं बेटे, हट जाओ पीछे, हट जाओ पीछे, हट जाओ भाई कपीटा आ रहा है। जिसको नहीं पता कपीटा कौन है भाई, तुमने बहुत चीजें मिस करी अपने बचपन में भाई। एक कार्टून आता था भाई मेरे को अभी भी याद है, थोड़ा सा ज्यादा ही ऑफ रोड से ले आया बट इट वर्क्ड ब्रो। ओके भाई वो कुछ ज्यादा ही ऑफ रोड से निकाल के ले आया बट चेक पॉइंट हमने लास्ट सेकंड में उठा लिया भाई, लिटरली लास्ट सेकंड में उठाया हमने चेक पॉइंट। 85% रेस कंप्लीटेड एंड तुम्हारा भाई अब फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका, बट ज्यादा देर खुशी नहीं टिकनी चाहिए। चल चल अंशु चल 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 अभी भी बची है रेस। ओ नहीं, ओके नहीं
बिल्कुल नहीं बेटे। लेट्स गो जेसका फॉर द विन बॉयज। बहुत क्लोज हो गया था एंड में गाड़ी पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मैं बता रहा हूँ भाई ये कुछ ज्यादा ही क्रेजी नेक्स्ट लेवल होने वाला था भाई। एंड में जाके हम लोग हारने वाले थे। एंड भाई आज हमारी इतनी प्यारी गाड़ी यार मॉडिफाई नहीं हो पाती ढंग से। भाई मैं तो रो देता कसम से यार। एंड में जाके बिल्कुल एकदम जैसे ही खत्म होने वाली थी रेस वैसे ही हम लोगों को 8,500 क्रेडिट मिला है। अरे यार तुम भी छोटी मोटी बातें करते थे। 3 मिलियन क्रेडिट पड़ा मेरे पास। 3 मिलियन ओनली। चलो भाई चलते फटाफट से होराइजन पे, पहुंचते फ्रेडी के पास और बोलते भाई हमारी गाड़ी को बना नेक्स्ट लेवल। अब मेरे को देखना है भाई क्या हमारी क्या कहते हैं कॉनिक्सेक जेस्को 500 प्लस भागेगी। भाई सॉरी ब्रदर रियली सॉरी। ओके बिल मेरे टैप पे भेज देना। या ब्रदर इसको बोलते कारमा। बदतमीजी कर रहा था ना उसके साथ में इसलिए हुआ। या बॉस कुछ नहीं यार मेरे पापा की स्टील की फैक्ट्रियाँ चलती है, मैं कॉनिक्सेक में चलता हूँ और किसी की गाड़ी लग जाए तो बिल मेरे डैडी के नाम पे भेज देना। या हे कैसे हो हे हेलो। चलो अच्छी भाई गंदा अच्छी। चलो भाई चलते हैं फटाफट से यार। कसम से बता पहली बात तो ये कि कॉनिक्सेक ये सब तो इंडिया के लिए बनी ही नहीं है भाई। इवन लाइक साउथ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रोड्स हैं, सब कुछ काफ़ी मस्त है, बट स्टिल ब्रोस आई डोंट थिंक सो कॉनिक्सेक वगैरह ये होगी जेस्को हो गई। लाइक कुछ जगह पे चल जाएगी बट यार फिर वही प्रैक्टिकलिटी नहीं आती ना। जैसे US में तो तुम लोग भाई लिटरली बहुत मैक्सिमम जगह ऐसी जहाँ पे लेके जा सकते हो ट्रैफिक में नहीं। भाई उधर ट्रैफिक में तो गलती से भी नहीं, ये गाड़ियाँ ट्रैफिक में जान तोड़ देंगी तुम समझ रहे हो। इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएंगी ये चलाते हुए। भाई सोचो एक ड्यूक 390 को तुम ट्रैफिक में ज़्यादा देर तक रखोगे ना गाड़ी भाई घुस तो नहीं हो जाएगी बट इतनी गर्म हो जाती पैर जला देगी। तो सोचो इन गाड़ियों का क्या होता होगा जिनमें भाई V12 ये सब पड़े हुए हैं एकदम खतरनाक इंजन जो भाई लिटरली हाई रेविंग के लिए बने हुए और तुम उनको एकदम 2,000-2,500 में पों करके चला के ब्रेक मार रहे हो। भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी इन गाड़ियों की, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसलिए तो इंडिया में ज़्यादा हाइपर कार्स ये सब दिखती नहीं है और जितनी दिखती हैं वो ज़्यादातर साउथ में दिखती हैं। दिल्ली में भी वैसे दिख जाती है बहुत सारी गाड़ियाँ, मुंबई में भी दिख जाती है बट ज़्यादातर बोल रहा हूँ मैं ज़्यादातर मतलब वही है जैसे मैं तुम्हें बता रहा कि साउथ के मतलब इंडिया के साउथ पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा है कार कल्चर मेरे हिसाब से। बाकी फिर दिल्ली तो भाई सबको ही पता है। गाइस हमारी बात हो चुकी है, लेट्स गो भाई। हम लोग अब अपनी गाड़ी को करने वाले एकदम नेक्स्ट लेवल ट्यून। सो लेट्स गो कस्टम अपग्रेड में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसके ट्विन टर्बो को चेंज करते हैं, देखते हैं अगर हम लोगों को कुछ ज़्यादा पावरफुल कुछ ज़्यादा अच्छा मिलता है। टू बी ऑनेस्ट दोनों ही देखो माइनस कर रही है, ठीक है। मैं कोई कार एक्सपर्ट नहीं हूँ, तुम लोगों को पता ही है भाई, मैं बस एक कार एंथुसियास्ट हूँ। मेरे को गाड़ियाँ पसंद है, मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपने हिसाब से बना सकता हूँ गाड़ियाँ। बॉडी रोल बढ़ जाएगा नहीं अगर डैम्पर ज़्यादा ऊपर हो गए तो, या फिर ज़्यादा ही नीचे हो गए तो ऑफ रोडिंग पूरी ख़त्म। बट है कि बढ़ रहा है ये नॉर्मल है, इसमें ऑफ रोडिंग ज़्यादा अच्छी होगी नीचे होकर गाड़ी कुछ भी बोलते हैं भाई। चलो स्प्रिंग डैम्पर्स की हम लोगों को जरूरत नहीं है अभी के लिए, बेस्ट है उस चीज़ में, ठीक है। और वेट रिड्यूस की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, ब्रेकिंग ही अच्छी हो रही है बस, बाकी सब तो नीचे ही जा रहा है मेरे हिसाब से। जरूरत है हम लोगों को इसकी या नहीं है, या मेरे को ब्रेकिंग अच्छी करनी है इस गाड़ी की। बट टू बी ऑनेस्ट सच्ची बताओ बुगाटी से तो बहुत अच्छी है इसकी ब्रेकिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी, ठीक है। अभी देखते हैं और हम लोग इसको कैसे बेटर बना सकते हैं। हैंडलिंग और स्पीड बहुत ज़्यादा गिर रही है अगर मैं इसको ड्रिफ्ट ट्रांसमिशन में ले जाता हूँ। रेस में रैली में क्या हो रहा है, रेस ट्रांसमिशन सिक्स स्पीड रेस ट्रांसमिशन अगर हम इसमें डालते हैं स्पीड कम हो जाएगी हैंडलिंग कम हो जाएगी बट एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और उसके साथ साथ लॉन्च बढ़ रहा है गैस। हाँ लॉन्च भी बढ़ रहा है, ब्रेकिंग भी बढ़ रही है, ठीक है। छोड़ो फिर इसको भी रहने देते हैं, ट्रांसमिशन अभी नहीं देखते हैं। और इसमें तो भाई सीधी सी बात है रैली ड्रिफ्ट नहीं तो रेस ड्रिफ्ट, ठीक है। तो रेस ड्रिफ्ट में जाते नहीं, ड्रिफ्ट डिफरेंशियल तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ड्रिफ्ट बोल के दिमाग खराब हो रहा है मेरा। रैली डिफ्ट डाल देते हैं इसमें, ठीक है। और देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं टायर्स के साथ, हम लोग मे भी कुछ खेल सकते हैं भाई। टायर्स तो ये गंजे वाले टायर तुम लोगों ने समझाया था मेरे को कैसे काम करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल चीज़ थी बट ये हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा गिरा दे रहे हैं। एंड बिलीव मी ब्रो जेस्को की हैंडलिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गई गुजरी है, मतलब गई गुजरी नहीं बोलूँगा, हायर रेप पे अच्छा काम करती है बट वैसे वो भाई ये देखो ऑफ रोडिंग कम हो जाएगी बट बाकी सारी चीज़ें बढ़ेंगी इस वाले टायर में। आई डोंट थिंक सो चौड़े टायर की हम लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है। हाँ ज़रूरत ही नहीं है भाई चौड़े टायरों की, ज़रूरत ही नहीं है बट हम लोग इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। ऑफ रोडिंग हमें करनी नहीं है वैसे ज़्यादा बट लेट्स गो। ये देखो ना भाई ये लेट्स गो। रिम देख लेते हैं, ठीक है। कॉनिक्सेक के रिम डले हुए हैं इसमें,
बट हम लोग और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिम्स डाल सकते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। रिम्स से कायदे से हमारी गाड़ी में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, तो हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं कन्वर्जन पे। देखो सीधी सी बात है, ड्राइव ट्रेन ऑल व्हील ड्राइव करते ही हमारी देखो स्पीड का क्या हाल हो रहा है, 6.1 पे पहुंच जा रही है स्पीड। एक्सेलरेशन बहुत तगड़ा हो जा रहा है, एकदम ही 10 पे पहुंच जा रहा है। लॉन्च भी 10 पे पहुंच जा रहा है, कहने का मतलब है 0 to 100 गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट करेगी, बट आई डोंट थिंक सो हमें ये करना चाहिए। तो इसका मतलब एक तरह से भाई हमारी जो कॉनिक्सेग है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑलरेडी है ब्रो। लेकिन मेरे को एक चीज़ सैड लगी कि हम इसको एक्स पे नहीं ले जा पाए, जैसे हमारी ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं। मेरी इवन फरारी XXX के वो भी इससे ज़्यादा ऊपर है, मैं XX के वो बोलता हूँ ना, हाँ सही है। चलो देखते हैं गाइस अब हमारी गाड़ी मॉडिफाई होके कैसी बनती है। गाइस मैंने थोड़े बहुत और चेंज करे और मैं लास्ट में यार AWD के साथ ही चले गया, बट अभी के लिए तो हम लोग सबसे पहले यार गाड़ी को थोड़ा सा कुछ क्रेजी बनाते हैं। यार वाइड बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा हो गया है, तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या करने वाले हैं। यार मैंने कमेंट्स देखे थे, कमेंट्स में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी कलर के बारे में। यार तुम लोग बोला करो यार, मतलब अपना दिल खोल के बोला करो कि ये कलर अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग गैंगार के लिए भी बोल रहे थे कि गैंगार वाली भी बहुत अच्छी लग रही है, बट लेट्स सी भाई इसको हम लोग कूल कैसे बना सकते हैं दिखने का एकदम नेक्स्ट लेवल सी। ब्लैक भी ठीक लगेगी, बट ब्लैक बहुत ही ज़्यादा कैसे बताऊँ नॉर्मल कलर हो जाएगा गाड़ी के लिए। यार कॉनिक्सेग जैसको एकदम अलग सी गाड़ी है, लाइक ब्लैक तो हर चीज़ में अच्छा लगता है वाली चीज़ है, बट समझ रहे हो ना तुम लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉनिक्सेग जैसको थोड़ा डिफरेंट लगेगी तो अच्छी भी लगेगी। ये वाला एक बार ट्राई करते हैं होकागे, ठीक है, क्योंकि बचपन से ही मैं सपना था मेरा कॉलेज से ही कि मैं एक दिन होकागे बनूंगा। तो यस निंजुत्सु तो आया नहीं कभी, थाई जुत्सु में भी मैं कभी अच्छा नहीं हो पाया। या सो देखते हैं एक बार ही, ठीक है, होकागे कैसा लग रहा है। ओ भाई साहब लेट्स गो अभी ये, अरे मुझे, अरे भाई साहब, अरे मोरी मैया भाई, मेरे को जनवरी लगा, मैंने कहा ये क्या है भाई, ऐसी तो कुछ दिख ही नहीं रहा था उसमें पर्पल ऑरेंज कलर का, वो बंदा मेरी आत्मा के अंदर घुसा हुआ था भाई ये गाड़ी लेके। बट ये बहुत ज़्यादा कूल लग रही है सही बताओ तो होकागे में भाई, डैम ब्रो क्लीन लग रही है। मतलब मैं सोचा था ब्लैक यार क्या अच्छा लगेगा गाड़ी में, बट कितनी क्लीन लग रही है देख रहे हो एकदम ही। मैं तो कहता हूँ थोड़े टाइम के लिए ये लॉक करते हैं, तब तक तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना, तुम लोग को सारे पैटर्न्स मैंने दिखाए थे, तब तक तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को कि तुम लोगों को कौन सी अच्छी लगी, ठीक है। चलो लेट्स गो बॉयज, चलते हैं एक बार सबसे पहले तो इसकी भाई टॉप स्पीड चेक करते हैं, ठीक है, हाईवे पे जाके, उसके बाद तुम लोग मेरे को बताओ। यूनिट इधर से नहीं है, हाईवे किधर से था मैं भूल गया यार, हाईवे ऊपर की साइड, हाँ ये रहा ना हाईवे। चलो ठीक है, तो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ भाई प्लीज़, ठीक है, जल्दी से जल्दी जाके भाई ये गाड़ी में मेरे को ना ऑलरेडी। अब देखो गाड़ी भाई, इसीलिए तो मेरे को रियर व्हील इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, गाड़ी ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थोड़ी बहुत। ड्रिफ्टिंग के लिए तो बेस्ट है रियर व्हील, और मेरे ख्याल से स्पीड के लिए भी ठीक रहता है, बट यार फिर वो बात है ना कि तुम्हें कितनी RPM में कितनी स्पीड चाहिए वाली चीज़ है। ये भाई 7-8 हज़ार RPM पार करेगी रियर व्हील ड्राइव में गाड़ी लहरने लग जाती है, पूरी ख़त्म ही हो जाती है। मैं कितनी बार रेस हारते जीता हूँ भाई, क्योंकि मतलब हारते जीता हूँ, मतलब जीतते जीतते हार गया था ऑलमोस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि मतलब गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो वो भाई ऑफ रोड निकलने को तैयार हो जाती थी, मतलब रपट रपट के चले जाने को तैयार थी। अभी देखो फर्स्ट गियर में हम लोग इसको कितना खींच रहे हैं और ये जा रही है। बाय द वे मैंने ट्रांसमिशन भी इसका थोड़ा सा सही करा है, इसमें 9 speed का ट्रांसमिशन था, मैंने शायद से 7 का सेलेक्ट करा था, अभी 6 का सेलेक्ट करा था, ठीक है, अभी वो पता चल जाएगा। खैर हम लोग हाईवे में आ ही चुके हैं, सो इट्स टाइम बॉयज लेट्स गो, देखते हैं हम लोगों ने अपनी जेस्को को कितना अच्छा मॉडिफाई करा है। लेट्स गो बॉयज, सबसे पहले तो ये हटा दूं मैं इससे पहले कि ये सीरी या जो भी है ये सीरा ये पूरे टाइम पे टेक अ यू टर्न ऐसे बोलेगी, ठीक है। लेट्स गो बॉयज, लेट्स सी हमारी कॉनिक्सेग जेस्को क्या कर सकती है पूरी मॉडिफाई होके। ओके फर्स्ट गियर पे 172, सेकंड गियर पे 275, ओके थर्ड गियर पे 374, ओ मैंने क्या 5 speed ट्रांसमिशन लगा दिया क्या इसमें, 458 गाइस इसकी टॉप स्पीड चौथे गियर पे, लेट्स गो। नो वे, प्लीज डोंट टेल मी ये 500 करने वाली है गाइस, डोंट टेल मी ये गाड़ी 500 करने वाली है भाई। 487, हाँ 6 speed गियर लगाया था मैंने, यस 6 speed था। 486 छठे गियर पे, 485, ओ नहीं 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 प्लीज नहीं, कमोन भाई यार ऐसे हगा मत कर यार, यार मेरे को इसकी टॉप स्पीड देखनी है, वैसे हाईवे खत्म होने वाला है तो हम लोगों को मे भी यहाँ से घुमा लेनी चाहिए। 578, 480 जा रही है पांचवे गियर पे भाई,
लेट्स गो छठे गियर पे 480 490 ओ नो भाई पे खत्म हो चुका है। अब ये कौन आ गया भाई? हेलो सॉरी ब्रो मैं कुछ ऐसा कर नहीं रहा था। ठीक है चलो निकलते हैं भाई। आवाज सुनो रुको ठुस। यार ये ट्विन टर्बो की आवाज आती है जब ठुस से करके एकदम से आती है ठुस बड़ा मजा आता है भाई। You've just been challenged to a head-to-head. नहीं करना मेरे को हेड टू हेड कर भी सकते हैं वैसे। चलो छोड़ नहीं करना मेरे को हेड टू हेड। मेरे को एक एक्चुअल रेस में जाना है भाई। एक ड्रैग नहीं मारना मेरे को एक जगह से दूसरी जगह। आ रहा है तो कर सकता हूँ मैं। कर रहा है क्या? रुक रहा है वो। चलो ठीक है देखते हैं भाई। आई थिंक एवेंटेडोर SVJ है या फिर कौन सी है ये। ठीक है भाई। अरे पैं 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 रुक जा भाई। क्या करना चाह रहा है ये? अरे घुस जाएगा क्या गाड़ी के अंदर? अरे यार जैसको घिस भी दी देखो मैंने लाते यार। अरे घुस जाएगा क्या? अबे रुक जा भाई ओए। इनवाइट टू कॉनवे हेड टू हेड। चलो चलो अरविंद भाई को मैंने कर दिया है। ओ एक्सेप्ट कर लिया। लेट्स गो बॉयज। इसको दिखाते हैं हमारी नई जेस्को की पावर। वो बुगाटी है वो। हाँ बेबी क्या हाल चाल? बुगाटी क्या हाल चाल दोस्तों? बेटे कहीं से कहीं तक ही नहीं है बुगाटी आस पास। ठीक है इतने पैसे ऐसे नहीं लगाए। खैर मेरे को तो लकी ड्रॉ में निकल गई थी। बट बात वही है महंगी तो है ही गाड़ी। अब ड्राइवर पे भी बात होती है भाई। वो आ रहा है पीछे से। ऑलमोस्ट रख दिया था भाई। मैं ऐसे एक हाथ से चला रहा हूँ भाई 350 भाग रही ऐसे कर रहा हूँ। ड्राइवर पे भी बात होती है। हेड टू हेड चल रहा ऐसे कर रहा हूँ भाई। यार क्या उल्टे काम भाई। छी भाई मेरे उल्टे काम भाई। ऐसे 350 भाग रही गाड़ी ऐसे कर रहा हूँ। ये होती है बात। होती है बात। छी यार यार आई लव दिस गेम भाई। मैं मजाक नहीं करूँगा यार। अगर तुम लोगों को कभी भी लाइफ में मौका मिलता है भाई व्हील से इस गेम को खेलने का प्लीज़ खेलना ब्रो। प्लीज़ खेलना। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ जेन्युइनली ब्रो। प्लीज़ खेलना ब्रो। चलो ठीक है भाई। थ्री आउट ऑफ टू मतलब बेस्ट। ठीक है बेस्ट आउट ऑफ थ्री करते हैं भाई। बुगाटी इसकी भी देख रहे हो पहले से भगा रहा है चोर कहीं का। बुगाटी स्टैंड्स नो चांस ब्रो। भाई अभी अभी मैं अपनी मैक्स आउट करके लेके आओ जेस्को भाई। यू डोंट स्टैंड अ चांस ब्रो। वो कह रहा होगा कहाँ गया? अभी तो यही था। अभी यही था। मैं नहीं मानता भाई। नहीं 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 अबे यार नहीं यार। ओवर कॉन्फिडेंट यार। ठीक है बेस्ट आउट ऑफ थ्री। बेस्ट आउट ऑफ थ्री था। ठीक है बेस्ट आउट ऑफ थ्री था गाइस। बेस्ट आउट ऑफ थ्री था। ठीक है बेस्ट आउट ऑफ थ्री था। अब कहाँ भाग रहा है? वो भाग रहा है क्या? रुक गया इधर वापस आ। बेस्ट आउट ऑफ थ्री था। चीटिंग नहीं। ठीक है चीटिंग नहीं कर। ये देख 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 कैसे स्टाइल मार रहा। देख रहे हो देख रहे हो। बेस्ट आउट ऑफ थ्री भाई। बेस्ट आउट ऑफ थ्री भाई। बेस्ट आउट ऑफ थ्री। चलो हो जाए भाई। लेट्स गो बेस्ट आउट ऑफ थ्री भाई। क्या चल रहा है? लेट्स गो बॉयज। इस बार ढंग से चलाना है। ठीक है अंशु रेस चल रही है ऐसे चला। ऐसे नहीं कि बिल्कुल कुत्तों की तरह गाड़ी खींच रहा है। बस अपनी ढंग से चला ले थोड़ा। बाबा अगर ये बंदा 20 से काट के ले गया ना गाड़ी बस। जो कि मैंने बोला था ये चीटिंग करेगा भाई। वो देख रहे हो चीटर को? देखा तुमने चीटर? देखा तुमने? देखा ना चीटर? वो देखो वो देखो चोर को देखो। देख रहे हो चोर को? देख रहे हो रोड से नहीं आया वो चीटर कॉक कहीं का। चले चला जाए यहां से। बहुत मारूंगा और पैसे तो मांग भी मत लेना भाई। बंदा लेजेंड भाई सब कुछ छोड़ के यहाँ भी से रोड ऐसे भगा के लेके आ रहा है ये ऐसे भगा के लेके आ। मेरा भी मन किया लेकिन मैंने कहा नहीं चीटिंग नहीं करूंगा। चीटिंग नहीं ना ना रोड से लेके आऊंगा गाड़ी पूरी इज्जत से चला रहा हूँ। वो चोर कहीं का बीच से काट के लेके मेरे को। मैं अंधा हूँ यार मेरे को नहीं दिखा। तू मेरे से बात मत करना आज के बाद भाई। दिख मत जाना मेरे को यहाँ पर। तू बुगाटी वाले
गाइस इस चीटर से तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ भाई, हम लोग एक असली रेस में जा रहे हैं। मैंने अभी अभी फ्रेडी से बात कर ली है, उसने हम लोगों को एक रेस का पता दे दिया है, हम लोगों को जाना है और वो रेस करनी है वहाँ पे। भाई इस बंदे ने मेरे साथ चीटिंग करी है, तो मानते हो या नहीं मानते हो। चलो सेकंड वाला तो मैंने ही जीतना था, मैं थोड़ा सा कॉकी हो गया और जाके मैंने रोड पे मार दी, मैं हंसने लग गया। भाई यार क्या बताऊँ भाई, ऐसे ऐसे कौन करता है यार 20 रेस में जी भाई। बट ठीक है कोई बात नहीं भाई, हार गए तो हार गए कोई बात नहीं, ही वॉज अ बेटर ड्राइवर है ना, जो अपनी हाइपर कार को बीच मैदान से खलियान से दौड़ाते हुए लेके आ गया, हुआ था बेटर ड्राइवर ब्रो फॉर श्योर, क्यों नहीं भाई। चलो गाइस चलते हैं फटाफट से, 3.5 किलोमीटर दूर है यहाँ पर से, फटाफट निकलते हैं भाई। चलो भाई मैं मजाक नहीं करूँगा यार, मैं तो इस गाड़ी का दीवाना हो गया, मैंने ये गाड़ी सोचा भी नहीं था कभी लेने की, मेरे दिमाग में नहीं था कि लाइक कॉनिकसेक जैस को भी लेनी है कभी, कुछ करना है उससे मेरे को। और तो भाई बुगाटी शिरोन कितनी मस्त गाड़ी है ये सब, बट तुम लोगों को जैसे जैसे गाड़ी के बारे में पता चलता जाता है भाई क्या क्रेजी, एकदम से आंखें खुलती हैं, ऐसा होता है पता है। मेरे साथ तो वही हुआ है भाई, मेरे को तो पता भी नहीं भाई जैस को ऐसी गाड़ी है भाई, 500 भाग रही है गाड़ी 500, और तुमने देखा इसने बुगाटी को कैसे हराया भाई 0-100 में, आसपास भी नहीं दिख रही थी बुगाटी मजाक से हटके। वो तो चीटिंग नहीं करता, कभी जीत भी नहीं पाता अपनी जिंदगी में, वो बंदे ने चीटिंग कर दी तुम्हें ही पता है, मेरे को ही पता है भाई जी यार। बट दिमाग तो लगा दिया भाई, मैंने सोचा यार चीटिंग नहीं करते, मेरा मन तो किया 20 से काट के चल जाऊँ, बट मैंने कहा चलो छोड़ यार चीटिंग नहीं करते भाई, फेयर एंड स्क्वेयर रहते। वैसे उसकी गाड़ी लप्पू सी तो गाड़ी चल रही थी उसकी, तो मैंने सोचा यार चलो ऐसे ही कर लेते। चलो हम लोग पहुँच चुके हैं डेस्टिनेशन पे, इट्स टाइम बॉयज इट्स टाइम, यस ये रेस को हम लोगों को कैसे भी जीतना है ठीक है। हम लोग कायदे से ये रेस तो मैंने ऐसे ही उठा ली भाई, मैंने बस बोल दिया फ्रेडी से कर दो, बट हो सकता है कि टोनी माफिया और फ्रेडी ने इसमें पैसे लगाए, तो यार ट्राई करेंगे जीतने की, खैर हारने की ट्राई कौन ही करता राइट। चलो चलते हैं भाई अपनी एकदम, अरे कुछ नहीं भाई इसमें हमारी जेस्को ही जाएगी, चाहे तुम कोई भी गाड़ी बोलो भाई, हम लोग लेके जा रहे हैं अपनी कॉनिकसेक जेस्को फुल्ली मॉडिफाइड, जो 491 स्पीड करके दिखाई है इस गाड़ी ने हमें, और इसका हम लोग एक और बार टॉप स्पीड चेक करेंगे गारंटीड फॉर श्योर। ये कौन सी गाड़ी है भाई सामने, बड़ी कूल लग रही है, एक्सबॉक्स गाड़ी भाई, देखा तुम लोगों ने एक्सबॉक्स बना था उसमें। चलो अब तो हम लोगों को पंजा दबाने से कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव बन चुकी है। हाँ थोड़ी रपटेगी गाड़ी, ओके पंजा दबाने से दिक्कत ये है कि मैं मेरा ध्यान कभी कभार ऐसा होता है मैं पता नीचे वहाँ वो देखने लग जाता हूँ मीटर की कब गियर चेंज करने। सॉरी 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 सॉरी, इसको बेचारे को दीवार में दे मारा पीछे से भाई, जो ही गालियाँ बक रहा होगा भाई। भाई गाड़ी की ब्रेकिंग भी अच्छी हो गई है यार, आई थिंक वो टायर्स की वजह से, जो हम लोगों ने टायर्स लगाए थे ना ये उसकी वजह से। थोड़ी सी हैंडलिंग भी ठीक कर लेगा अगर अपनी खुद की तो मज़ा नहीं आ जाएगा है ना, ब्रेकिंग को छोड़ के खाली। यस चलो फटाफट से चलते हैं, आस पास भी नहीं भाई तुम लोग आ ही नहीं सकते, वो तो मैं भगा नहीं रहा हूँ अभी क्योंकि गाड़ी में 3 लैप काटने हमने ऐसी। भाई ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ क्या मैं इससे, ओके जस्ट पीछे हाँ गाड़ी मेरी। भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल है क्या, आवाज क्यों नहीं आ रही है उस गाड़ी की। आ भाई आ भाई आ भाई, नहीं ये तो मेरी गाड़ी की आवाज है, ना ना उसकी गाड़ी आ रही है यार, माय बैड। ऐसे कैसे ड्रिफ्टिंग के तो बादशाह हम चलो चल बहुत बढ़िया यार, ड्रिफ्टिंग थोड़ा ब्रेकिंग के भी बादशाह बन जाओ यार हैं। भाई ये गाड़ी लिटरली मेरे को दूसरे गियर से ऊपर नहीं चढ़ाने को मिल रही है पता है इस रेस कोर्स में, और फिर भी मैं फर्स्ट हूँ। सोचो मेरे को लेजिट ये गाड़ी को इतनी मुश्किल से देखो अब जाके तीसरे गियर पे डालूंगा मैं, और फिर से नीचे उतारनी पड़ेगी क्योंकि बहुत स्टीप वो आ रहा है। भाई लेजिट इस रेस में मेरे को इसको दूसरे गियर से तीसरे गियर पे डालने को ही नहीं मिल रहा है, पहले दूसरे पे ही चल रही है पूरे टाइम गाड़ी। थोड़ा सा ब्रेकिंग पे ध्यान, पर तो दिक्कत क्या है मेरे को ना एक नया स्टेशन बनाना पड़ेगा इसको खेलने के लिए, जो अभी वाला है ना मेरे नीचे कारपेट है, तो जब मैं बहुत जोर से ब्रेक दबाता हूँ, अगर तुम लोगों ने कभी भी लॉजिटेक का ये वाले सिस्टम में खेला है तो तुम्हें पता होगा इसके ब्रेक बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो जब भी मैं ब्रेक दबाता हूँ ना तो आगे को फिसल जाता है पूरा का पूरा, जितने पैडल वाले हैं ना वो पूरा आगे को चले जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। चलो 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 बड़ी मुश्किल से फर्स्ट हुए गाइस, मतलब मुश्किल से क्या भाई फर्स्ट चले थे यार। मैं थोड़ा सा ध्यान भटकाता हूँ, ये वाला रेस कोर्स थोड़ा सा हार्ड है, मतलब इसमें ना स्टीप बहुत कट्स है,
आई थिंक तभी इसीलिए हम लोगों को JDM वो सब एडवाइस कर दे ताकि थोड़ा ड्रिफ्ट मारते हुए चले गाड़ियाँ। बट यार फिर हमने जेस्को को मॉडिफाई करवाया है क्यों अगर हम इसको रेस में ही लाते तो। भाई ड्रैग मारने के लिए थोड़ा मैं करता हूँ, मैं नहीं करता भाई, मैं मजाक भी नहीं करूँगा। हाँ मैं टॉप स्पीड देखता हूँ हमेशा क्या कहते हैं अपनी गाड़ी को मॉडिफाई ट्यून कराने से पहले, बट भाई एट द सेम टाइम गाड़ी प्रैक्टिकल भी तो होनी चाहिए कि रेस कोर्स में कमाल कर पाए अपना। देयर वी गो, दीवार पे घिसते हुए आग निकालने के लिए था ऐसे आगे से, अब तो घिस गई। तो हम लोग यार रैली रेस तो बड़ी इजीली जीत गए, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको ना टेस्ट करना पड़ेगा हमें लंबी वाली रेस में, जो एक ही रेस होती है जिसमें लैप्स नहीं होते कुछ भी, जो हम लोगों ने बेसिकली इसके जस्ट मॉडिफाई होने से पहले करी थी। मेरे को मन कर रहा है कि उस रेस को एक बार करा जाए ऐसी रेस को, ताकि हम लोग को ज़्यादा अच्छे से पता चले कि हमारी कॉनिक्सैक आखिर कितनी ज़्यादा पानी में आ चुकी है। जाता हूँ फटाफट से फ्रेडी को जाकर कॉल लगाता हूँ कि भाई हमारे पास अगर कोई ऐसी रेस है तो बताना। भाई हम लोगों ने इस पर क्या कर दिया, ये क्या RPM 1351 RPM है, मतलब समझा नहीं मैं ये क्या चल रहा है भाई। रुको जरा एक मिनट, इसको न्यूट्रल करते हैं। हाँ है तो RPM ही अच्छा, ओके ये आइडल में 1500 RPM रह रही है। ओ भाई साहब आइडल में 1500 RPM, ठीक है भाई, क्या पता इतनी रहती होंगी सारी गाड़ियाँ इतनी रहती होंगी। कभी सुपर कार स्पोर्ट्स कार देखी नहीं ना भाई, अब क्या करें यार, सब लोग अमीर नहीं होते लक्ष्मण, सब लोग अमीर नहीं होते ठीक है ना। मेरी हैरियर भी शायद से इतने RPM में 1000 RPM के आसपास में रहती है आइडल शायद से, पता नहीं मतलब मेरे को कंफर्म नहीं पता। तो गाइज हम लोगों ने लगा दिया है भाई मैप अपनी अगली रेस का, जो हम लोगों को जी यार चलो चलते हैं फटाफट से भाई उस रेस के लिए, भगाते हुए गाड़ी को। भाई यार ये गाड़ी कसम से ब्रो मैंने ऐसी गाड़ी चलाई नहीं है अभी तक का, अगर इससे भी ज़्यादा कोई फास्ट गाड़ी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, मेरा बहुत ज़्यादा मन है अगर इस गेम के अंदर पगानी है तो, बट मेरे को लग नहीं रहा है कि इस गेम के अंदर है पगानी नहीं है, बट इसके अंदर आई थिंक वो है ना मैकलैरन सेना है, तो मेरा मन है मैकलैरन सेना लेने का, तुम लोग बताओ ले के नहीं ले कमेंट सेक्शन में है ना, क्योंकि अब अपने पास जेस्को भी आ चुकी है, मेरे को दिखने की तो बहुत क्रेजी लगती है, जेस्को से बेटर लगती है मेरे को मैकलैरन सेना, मैं मना नहीं करूँगा भाई, मैं देखो दिल का साफ बंदा, मैं क्लियर बताता हूँ मेरे को जेन्युइनली भाई जो अपनी क्या कहते हैं मैकलैरन सेना है वो इससे ज़्यादा अच्छी लगती है दिखने की, बट ये भागने की तो क्या है यार ये गाड़ी, लेकिन दिखने की ये भी कम नहीं है, ऐसा नहीं कि ये गाड़ी नहीं है भाई। अरे हायाबुसा नहीं सॉरी होकागे हायाबुसा बहुत बढ़िया है, क्या करूँ यार बचपन की आदत है गाइस, कहीं भी मेरे को तो बचपन में कहीं पे भी कोई भी बाइक में थोड़ा भी जापानीज लिखा मिल जाता था मैं कहता हायाबुसा। मेरे को आज भी नहीं पता वैसे हायाबुसा का मतलब क्या होता है, आई थिंक हायाबुसा का मतलब विंड होता है राइट, हवा, हायाबुसा का मतलब विंड ही होता है शायद, पता नहीं मतलब सच्ची बताओ तो नहीं पता। हम लोग बस पहुँचने वाले भाई, ये गाड़ी यार हवा है, ये गाड़ी बिल्कुल तूफान जैसा है भाई, देख रहे हो 300 भाई ऐसे स्पीड ऐसे पकड़ते ना, ऐसी स्पीड मजाक हो रही होगी कसम से, मतलब अगर कोई बंदा ध्यान से सोचे कि कौन सी स्पीड पे दौड़ रही है तो जेन्युइनली भाई ये क्या है 300 ये ऐसे पकड़ लेती है भाई 4-5 सेकंड में 0-100 क्या होगा इस गाड़ी का, मैं तो ये देखना चाहता हूँ यार, कोई होना चाहिए था पता है मीटर जैसा ना। ओए ओए आगे निकल गए थोड़े ज़्यादा ही। चलो फटाफट से चलते हैं वापस को थोड़ा सा ग्रैंड पेंटानो स्प्रिंट, यस ग्रैंड पेंटानो स्प्रिंट लेट्स गो सोलो, ये होगी बहुत ही ज़्यादा लंबी स्प्रिंट ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं जेस्को में करके क्या ये गाड़ी स्प्रिंट्स के लिए बनी है, क्योंकि ये गाड़ी भाई सच्ची बता रहा हूँ अगर ये ड्रैग रेस किसी से भी करेगी आई थिंक अभी गेम के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये ड्रैग रेस किसी से भी करेगी ये जीतेगी, ये बहुत फास्ट है भाई बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेट्स गो करते हैं भाई 999 है यार एक्स में भी है। जी जी चलो हम लोग तो अभी लिटरली शिफ्ट गियर से भी कर सकते हैं क्योंकि हम 9 गियर नहीं रहे ना इसमें, बट आई डोंट थिंक सो करनी चाहिए। ओ भाई ये मैकलैरन सेना वाले भाई इनका कंट्रोल बहुत सही है, मेरे ख्याल से ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, ऐसे कैसे हाँ ऐसे कैसे मेरे भाई, चलो चलो ठोक पीट के ले जा रहा हूँ लेकिन जीतेंगे तो हम ही भाई, ऐसे थोड़ी ना हर जगह थोड़ी ना ठोकते रहूँगा फिर गाड़ी को यार, वाह आगे बहुत स्टीप कर्व आ रहा है यार, बगल में एक बंदा बैठा हुआ होना चाहिए जो बोले ऐसे करके कि स्टीप खाओ वो है लेफ्ट लेफ्ट शार्प लेफ्ट शार्प लेफ्ट, रैली चल रही है जैसे। चलो 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 चलो
बढ़िया 50% देयर गाइस, लेकिन ये मैक्लारेन सेना वाला मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई। और मैं जब भी पीछे देखने के लिए 2 सेकंड के लिए ऐसे कर रहा हूँ आके, वैसे ही कोई आगे से कर्व आ जा रहा है। भाई ये गाड़ी भाग भी तो उसी रेस से रही है ना, उन लोगों ने तो अपने हिसाब से बना रखा है, बट मैं जितने में पीछे देख रहा हूँ उतने में आगे एक और कर्व आ जा रहा है। देखो ना ये देखो 300 पकड़ ली इसने, पता भी नहीं चल रहा है भाई 300 कब हो रही है गाड़ी। और एक हल्की सी टक्कर और पीछे से वो मैक्लारेन सेना मेरे को दिखनी शुरू हो जा रही है भाई। लेट्स गो। चलो 78% देयर गाइस। ओ नहीं अंशु अभी नहीं यार, ओ मैं कम हो रहा कहने, ओ ले आ गई भाई 85% पे आ गई वो पीछे से। भाई वो लिटरली मेरी ना डीमन बनी हुई है, वो पीछे से मैक्लारेन सेना चल रही है, आवाज सुन रहे हो उसकी, आ गई हो भाई जस्ट पीछे 93%। कम ऑन ब्रो, नॉट नाउ, नॉट टुडे ब्रदर। हिस दिया मैंने पूरी है, लेकिन गाड़ी तो है भाई, वो देख रहा हूँ पीछे से कैसे आ रही है भाई। भाई मैं मजाक नहीं करूंगा, वो मैक्लारेन सेना ने मेरे को डराया है भाई, वो जो थोड़ा सा देखू, थोड़ा सा ठुके गाड़ी, थोड़ा सा ब्रेक लगे गाड़ी पे, भाई पीछे से आ जा रही थी। बट भाई इस जेस्को का कोई तोड़ नहीं है यार, कसम से ब्रो, ये अलग ही गाड़ी है भाई, इसका कोई तोड़ ही नहीं है, मैं मजाक भी नहीं करूँगा सच्ची में भाई, मेरे तो दिल को भाग गई है गाड़ी भाई, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, क्रेजी कूल यार। और अभी तो मॉडिफाई होके क्या खतरनाक ही भाग रही है। एक लास्ट चीज़ बचती है करनी, जो कि हम लोग करते हैं जाके, ठीक है, हम लोग इसको जाके हाईवे में टेस्ट करते हैं कि इसकी टॉप स्पीड कितनी है। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक 490 देख ली, बट 490 से ऊपर ये जा नहीं रही थी आई गेस, तो आई गेस इसकी टॉप स्पीड 490 होगी, बट बहुत सारे लोग बोले थे कि 500 भागती है। यार मैंने कर तो दी फुल्ली, लाइक जितनी मेरे से हो सकती थी मैंने उतनी मोड तो कर दी, बट 500 तो नहीं भागी है, बट ठीक है कोई बात नहीं, एक बार देख लेते क्या पता 500 भागती हो। तो चलो मिलते हैं तुम लोगों सीधे हाईवे पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हाईवे में, लेट्स डू दिस बॉयज, इट्स टाइम फॉर द रियलिटी चेक। ओके, टाइम है रियलिटी चेक का, पूरी गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ मैं। और एक बार यार ये एक मिनट का इसे मैप से भी हटा दूँ इससे पहले कि भाई ये है ना पूरे टाइम पे न्यू नीनू, टर्न बैक। चलो रेडी, फर्स्ट गियर में चेक करते हैं कितनी भागती है, तो लेट्स गो। ओके 172 पे लॉक हो रही है, 173, 275 सेकंड गियर, 375 थर्ड गियर, 460 फोर्थ गियर, 485 फिफ्थ गियर, नहीं थोड़ा ध्यान से, ओए डरा दिया भाई ने, भाई हाईवे खत्म होने को आ रहा है। हेलो फिफ्थ गियर पे थी, सिक्स्थ गियर तो चढ़ी नहीं रहा है इसका, मतलब खींच ही नहीं रहा है। 487, 492, 3, ओके गिरने लग गया, चढ़ाई आ गई ना गाइस। यार फाइनली हम लोगों ने अपनी कॉनिकसेक जेस्को को एकदम नेक्स्ट लेवल पावरफुल बना दिया है, और ये क्या लग रही है भाई कसम से, पता है अभी लाइक पता नहीं यार मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा मस्त भी लग रही है। ये क्या चीज़ है ये मेरे समझ में नहीं आई, थिंक ये जी फोर्स है जो लेटरल चीज दिखाता है ना कि गाड़ी कितनी तेज जा रही है, तो जितना फास्ट जाते हैं फिर वो कुछ तो होता है यार, वो मैंने खाली जेट्स में देखा हुआ है भाई जो होते हैं, बट इसके अंदर है भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक। भाई मैं मजाक नहीं करूँगा, दिखने की तो क्रेजी लगी रही है भाई, 495 करा इस गाड़ी ने, 500 ही मानो यार, ये कुछ ज़्यादा क्रेजी गाड़ी है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ हम लोग अगली गाड़ी कौन सी ले भाई, अपने कलेक्शन में कौन सी गाड़ी डालें, क्योंकि ये तो भाई आई थिंक हमारे कलेक्शन की सबसे फास्टेस्ट कार है अभी तक का, लाइक क्रेजी फास्टेस्ट। आई थिंक हमारी फरारी एक्स एक्स के ईवो जो है वो तो भाई हमारी लाइक कंट्रोलिंग में बेस्ट गाड़ी हो गई, बट ये भाई फास्टेस्ट और कंट्रोलिंग ब्रेकिंग सब चीज़ों में एकदम नेक्स्ट लेवल है। तुम लोग बताना अगली गाड़ी कौन सी ले, और क्या तुम लोगों को आज इसका अपग्रेड देखने में मजा आया, क्योंकि मेरे को इसको करने में तो बहुत ज़्यादा मजा आया, और ये क्या भागती है भाई नेक्स्ट लेवल एकदम।